उतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, क्योंकि मैंने भी शुरू में इसको वीडियोस में देखा था, फोटो में देखा था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगी, लेकिन बट जब मैंने इन रियलिटी आकर देखा तो थोड़ी सी वो जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं वो कम हो गई उसको लेकर के। सो वेलकम बैक टू मोटोपीडिया इन, और आज हम लोग जो है एक मच अवेटेड गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि है मारुति जिम्नी। मतलब अभी तक मार्केट में सिर्फ एक प्रोडक्ट अवेलेबल था विच इज महिंद्रा थार, लेकिन महिंद्रा थार को टक्कर देने के लिए मारुति ने अपना प्रोडक्ट निकाल दिया है जो कि है मारुति जिम्नी। आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार ये लग रही है, और वैसे तो इंटरनेशनल मार्केट में मारुति जिम्नी काफ़ी टाइम से अवेलेबल है, लेकिन अभी अभी जो है इंडिया के अंदर इसको जो है लॉन्च किया जाना है, और प्राइसिंग भी आने वाली है तो मैं वीडियो में आपको मेंशन कर दूंगा कि क्या क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, क्योंकि जब तक भी मैंने ये वीडियो बनाई है तब तक इसकी प्रॉपरली प्राइसिंग कंपनी ने जो है रिवील नहीं की है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हमको मिल जाते हैं, क्या क्या बेनिफिट होंगे हमको इसके लेने के एज कम्पेयर अगर हम थार लें। तो स्टार्टिंग करें हम लोग इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। अगर आप फ्रंट में देखते हो तो उसमें आपको जो है 5-slot ग्रिल मिलता है। अगर इसके इंटरनेशनल वेरियंट की बात करें तो उसके अंदर आपको जो है ये जो क्रोम मिल रहा है वो क्रोम इसमें आपको नहीं मिलेगा, वो फुल ब्लैक आता है, बट यहाँ पर जो है इसके अंदर आपको जो है क्रोम इसके में मिल जाता है। साइड में आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है हेडलैम्प जो कि इसके आपको मिलने वाले हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और इसके अंदर ब्लिंकर भी साथ ही में यहाँ पर इसमें प्लेस कर दिया गया है। इसके अलावा नीचे इसके फॉग लैंप देख लेते हैं, तो जो इसके फॉग लैंप है वो इसमें वही नॉर्मल वाले मिलते हैं आपको हैलोजन वाले, बाकी नीचे काफ़ी मोटी मोटी क्लैरिटी इसके अंदर दी गई है। फ्रंट बम्पर को जो है इसमें थोड़ा सा रगेड लुक देने के लिए रखा गया है, और साथ ही साथ इस हिसाब को बनाया गया है ताकि अगर कहीं गाड़ी टकरा जाती है, कोई भी इसमें कुछ डेंट आ जाता है तो कोई ज़्यादा भारी खर्चा आपके ऊपर ना आए, कम से कम चीज़ों में हो जाए। अगर बात करें साइड में जो इसमें ये आप एलिमेंट देख रहे हैं तो ये इसकी एक्सेसरी का पार्ट है। अगर आप लेते हैं तो बेस वेरियंट या इसके कोई वेरियंट के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, आपको ये इसमें अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। अगर बात करें इसमें रिम की तो यहाँ पर आपको 15 इंच का रिम मिल जाता है जो कि इसके हिसाब से काफ़ी ठीक है, क्योंकि ये एक ऑफ रोड सेंट्रिक गाड़ी है तो उसी हिसाब से कंपनी ने कोशिश की है कि इसमें जो है छोटे रिम दिए जाएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े इसके अंदर जो साइज अगर एक नंबर साइज में बड़ा कर दिया गया तो कहीं ना कहीं इसके कम्फर्ट में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो वही सब चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने इस चीज़ का जो है फैसला लिया है। लगवाने के लिए आप इसमें अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर आपको जो है इसके कंफर्ट है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाते हैं जो कि वही रेगुलर वाले आते हैं हैलोजन वाले, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है उसके अंदर आपको ये जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, अदरवाइज जो इसके लोअर ट्रिम में वहाँ पर आपको जो है हैलोजन वाला ही हेडलैम्प मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एक और एक्स्ट्रा चीज़ मिल जाती है विच इज़ ये आपको हेडलैम्प पोर्शन मिलता है। आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा काम में आती है उस समय, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हेडलैम्प जो है हमारे गंदे हो जाते हैं और विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमें फ़ायदा देती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वर्क करते हैं, काफ़ी फंक्शनल चीज़ है। बात करें इसके हुड की तो इसमें जो इसकी पुरानी जिप्सी की लेगेसी है उसे अभी भी कंटिन्यू रखा गया है। इसमें अभी भी आपको क्लैमशेल हुडी मिलता है जो कि पुरानी वाली जिप्सी के अंदर मिला करता था। आज के टाइम में बहुत रेयर केस में ऐसी गाड़ियां हैं जिनके अंदर क्लैमशेल हुड आपको मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता, सबके अंदर जो है काफ़ी मॉडर्नाइजेशन कर दिया गया है। तो ये चीज़ अपने जो पुराना इसका DNA है उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए गाड़ी चल रही है। अगर आप सोचते हो कि आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी इसमें मिलेगी तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर गलत होगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर आपको अच्छे फीचर के साथ बेहतरीन ऑफरोडिंग मिले तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट पैकेज हो सकती है। तो चलिए अब इसका थोड़ा और साइड में आके देख लेते हैं। तो साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी कुछ क्रीज लाइन है जो कि काफ़ी अच्छा इसको लुक दे रही है, और अगर मैं बात करें इसकी मिरर की तो काफ़ी बड़ा मिरर इसमें आपको जो है मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये जो है एक स्क्वायर शेप के अंदर आता है और जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, और जो कि आपको मिलेगा ब्लैक कलर, ग्लोसी ब्लैक कलर के अंदर आपको। वहीं अगर इसके साइड डोर पर आते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ की जो है मुझे शिकायत है कि इतना महंगा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी कंपनी ने इसके अंदर जो डोर हैंडल दिए हैं वो वही दिए हैं मारुति 800 वाले जो कि पुरानी गाड़ियों में आया करते थे। आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो जो है इनको काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है, कुछ इस टाइप की सभी गाड़ियों के अंदर आपको मिल जाते हैं, लेकिन जिम्नी में जो है यही गलती करती है। गलती तो नहीं कहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, लेकिन अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी हो जाती है। हाइट प्रोफाइल इसकी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, कंपनी ने इसको कम्प्लीटली बॉक्सी बनाया है, और ये गाड़ी आपको एक गाड़ी की याद दिलाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है विच इज़ मर्सिडीज़ बेंज जी क्लास, यानी कि जिसे जी वैगन भी कहा जाता है। और
मैं इस बात में बिल्कुल शक नहीं करूंगा या मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारूंगा कि अगर कोई ये बोलता है कि ये जी वैगन नहीं बनाई जा सकती, बिल्कुल ही जी वैगन बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि करोल बाग जैसे मार्केट के अंदर इसकी किट भी आनी शुरू हो गई है, जी वैगन किट। बस क्या इस गाड़ी को लो आप और इसके अंदर ईजिली अपना जी वैगन की किट लगाने के बाद जी वैगन के आप आराम से समझे ले सकते हो, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें सारे एलिमेंट इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं जो कि एक जी वैगन प्रोवाइड करती है। हाँ, वो बात है कि वो कम्प्लीटली वो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ हद तक आपको वो फील इसमें मिल जाएगी। तो चलिए अब आते हैं इसके रियर की तरफ, और रियर में जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि है इसके अंदर स्पेयर व्हील आपको पीछे दे दिया गया है। तो ये कुछ दो बेनिफिट इसके होते हैं, तो ये लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, और अगर हम बात करें जो दूसरी गाड़ी है तो या तो ये इको स्पोर्ट में आपको ये चीज़ मिलती थी या फिर आपको ये महिंद्रा थार के अंदर मिल जाती है, बाकी अदर किसी कार में भी अवेलेबल नहीं है। अगर इको स्पोर्ट की बात करें तो वो कम्प्लीटली आज के टाइम में बंद की जा चुकी है, तो फिर हमारे पास अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, मारुति जिमनी या फिर महिंद्रा थार। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें पीछे आपको कितनी बूट स्पेस मिल जाती है। हाँ, एक और बेनिफिट इसमें दिया है कंपनी ने कि यहाँ पर इन्होंने जो है पीछे डिफोगर दिया हुआ है, साथ में इसमें वाइपर भी दिया हुआ है पीछे की तरफ, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैंप भी इसमें आपको मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कितना इसमें बूट स्पेस मिलता है। तो इसको हमने ओपन किया और अगर आप देखेंगे तो ये कुछ अपने आप ही खुल जाता है, मतलब आपको आधा खोलना है और बाकी का आधा ही अपने आप खुल जाता है, और ये अटकता मतलब कहीं रुका ही रहता है, ये ज़्यादा भागता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूट स्पेस काफ़ी है एज कम्पेयर थार, तो इसमें आपको मिल जाती है। इसमें आपको यहाँ पर 219 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, लेकिन अगर आप चार लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो शायद उसके लिए कम है। दो लोग जा रहे हैं, तीन लोग जा रहे हैं तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन चार लोगों के हिसाब से काफ़ी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि आप इसमें एक चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लो अगर तीन लोग आप ट्रिप करना चाहते हैं तब इसमें आपका सामान ठीक से फिट आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 50:50 का जो है सीट है वो स्प्लिट मिल जाती है, इसमें आप यहाँ से स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको स्प्लिट करके पूरा अपना सामान फ्लैट कर सकते हैं, और इसमें आपको रिक्लाइनिंग के ऑप्शन भी मिलते हैं, तो आप यहाँ पे इसको वन रिक्लाइन और इसके अलावा आप इसका आगे भी रिक्लाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी मटेरियल की, तो ये थोड़ा सा टफ मटेरियल है, यानी कि हार्ड प्लास्टिक इसके अंदर दिया गया है। कंपनी ने कोशिश की है कि आपको वो रगेडनेस वाली फीलिंग मिले, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टोरेज स्पेस आपको अवेलेबल नहीं किया गया है कंपनी की तरफ से। अगर बात करें इसके टेल लैंप की, तो यहाँ पर आपको जो है हेलोजन वाले ही मिलते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर नीचे पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। दो पार्किंग सेंसर दे दिए गए हैं और दो पार्किंग सेंसर इसमें दूसरी वाली साइड में दिए गए हैं। सवाल ये उठता है कि ये वाले टेल लैंप जो है बाकी किसी गाड़ी के अंदर नीचे नहीं मिलते हैं, बस इसी के अंदर दिए गए हैं, जो कि कहीं ना कहीं दिक्कत ये होती है कि जब आप ऑफ रोड कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में चला रहे हैं तो उसके टूटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब मारुति का इस चीज़ को लेकर ये कहना है कि अगर वो इस चीज़ को ऊपर की तरफ प्लेस करते तो कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ जाती कि ऊपर स्पेस कम हो जाता, जिस वजह से कंपनी ने इसको जो है नीचे प्लेस कर दिया है, और जो कि इसकी जो पुराना वाला एक्चुअली फील है उसे मेंटेन करता हुआ चल रहा है। यहाँ पर ऊपर आपको जो इसमें एक साइड में जो है आपको एंटीना मिल जाता है, जो कि बीच में ने देखिए कंपनी ने साइड में इसको दिया है, जो कि लुक्स काफ़ी ठीक लग रहा है। और एक और चीज़ कंपनी ने यहाँ पर की है कि ये इसमें आपको एक तरह की रेलिंग दे दी है, तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर कोई बारिश वगैरह होती है तो इसका पानी आपके जो है शीशे वगैरह पर नहीं आएगा, ये पानी यहाँ से कंटिन्यू होगा और होते होते यहाँ से ही नीचे निकल जाएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर मारुति ने ध्यान दिया है और काफ़ी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। चलो भी चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि रियर कंफर्ट किस तरह का है। तो अगर बात करें इसके डोर थर्ड की, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, और यहाँ पर जो है प्लास्टिक वही हार्ड वाला प्लास्टिक कंपनी ने दिया है, और वही कंप्लीटली उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया गया है जो कंपनी के लिए मतलब है कि उनको एक रगेडनेस दिखानी है। अगर मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको लग्जरियस चीज़ की आपको यहाँ पर डिमांड है तो शायद जिमनी आपके लिए नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि एक अच्छे फीचर वाली गाड़ी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें कम्फर्ट मिल जाए या फिर एक्स्ट्रा आपको ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज मिल जाए तो ये गाड़ी आपके लिए कम्प्लीटली है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपको स्पेस कितना मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ लेग रूम की, तो वो कुछ ज़्यादा आपको खास यहाँ पर नहीं मिलेगा, और अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इनफ है, यानी कि 6 फीट का बंदा है तो ऑलमोस्ट ठीक से बैठ जाएगा। बाकी मेरी हाइट की बात करूँ तो मेरी हाइट है लगभग 5 फीट 5 इंच, तो मेरे हिसाब से जो है इसमें ऑलरेडी मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट्स की बात करें तो सीट्स ठीक है, काफ़ी कंफर्टेबल है, जो कि आपको यहाँ पे इसमें फैब्रिक अपोस्टी मिलती है, और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी आपको जो है हैंड रेस्ट नहीं मिलता है, ना ही इसमें आपको कोई कप होल्डर मिलेगा, और ना ही पीछे की तरफ कोई एक्सेसरी सॉकेट है, उसके अलावा कोई एसी वेंट भी आपको नहीं मिलता है। तो रियर पैसेंजर के लिए तो यहाँ पर आप कंपनी ने कोई भी किसी तरह की चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई है।
अगर बात करें इसके हेडरेस्ट की तो यहाँ पर आपको डुअल हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल है। तो चलो भी चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ और देखते हैं फ्रंट में किस तरह का कंफर्ट और किस तरह की फीचर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पैसिव एंट्री के लिए बटन दे दिया गया है और साथ में आप यहाँ से इसमें इतना से एंटर कर पाएंगे। तो चलिए आते हैं आगे और देखते हैं किस तरह का कम्फर्ट आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्टेयरिंग व्हील की। तो यहाँ पर आपको स्टेयरिंग व्हील वही इनका नॉर्मल वाला मिलता है जो कि स्विफ्ट वगैरह में आता है। तो स्विफ्ट में जो ये फ्लैट बॉटम होता है लेकिन इसके अंदर आपको जो है पूरा राउंडेड मिलता है। और अगर बात करें इसके मटेरियल्स की जो भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोर को जो है कम्प्लीटली यहाँ पर सही तरीके से अच्छे से मैनेज किया हुआ है। लेकिन एक चीज़ की जो मुझे कमी लग रही है वो है कि यहाँ पर डोर के अंदर कोई भी स्टोरेज स्पेस नहीं है। अगर आप देखेंगे तो शायद आप देख पाएँ कि यहाँ पर कुछ टेप वगैरह लगाया हुआ है इन्होंने, मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो डोर स्पेस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप कुछ पेपर वर्क तो रख सकते हो लेकिन किसी भी तरह की कोई बोटल्स इसके अंदर आप फिट नहीं कर सकते हो। साथ में इसमें आपको वही नॉर्मल वाले सारे लॉक्स वगैरह के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। और ये इसका जो है इन्होंने डोर हैंडल कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया है, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता था क्योंकि जब हाथ डालते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें स्पेस कम रह जाता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट थी इसमें थोड़ा बड़ा करने की। इधर देख लेते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है एसी वेंट्स तो जो कि काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी के ही हैं। और साथ में यहाँ पर आपको कुछ बटन मिल जाते हैं जो कि इसमें ये दो तीन तो इसके अंदर आपको डमी बटन मिलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है जो कि 5 पॉइंट तक एडजस्ट किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर मिलता है हेडलैम्प वॉशर। तो हेडलैम्प वॉशर का मैं भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से काम करता है। बेसिकली ये हम इसको ऑन करेंगे तो जो हेडलैम्प जो इसके अंदर का पानी है वो हेडलैम्प के ऊपर जाएगा और वो इसके एकदम से साफ कर देगा। इधर आपको इसमें एक बटन मिल जाता है जो कि एडल ऑटो स्टार्ट स्टॉप का जो इसमें आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई तो ये आपको ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ORVM जो है एडजस्ट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि यहाँ से आप जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके अंदर इंजन स्टार्ट ऑफ बटन और साथ में इधर आपको जो है दोनों लीवर मिल जाते हैं जो कि एक हेडलैम्प के लिए है और वाइपर्स वगैरह के लिए है। साथ ही आपको यहाँ पर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें मोड वॉल्यूम वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। इधर आप देखते हैं तो यहाँ पर इसमें आपको मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल जो कि आप इसमें यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं और ये कुछ इसमें डमी बटन दिए गए हैं। साथ ही अगर आपको जो है वॉइस कमांड एक्टिवेट करना है या कॉलिंग वगैरह के लिए तो इसमें आपको यहाँ पर जो इनमें बटन दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर इसमें वही दिया गया है, पुराने वाला कंटिन्यू किया गया है जो कि जिप्सी के अंदर आता था क्योंकि कंपनी चाहती थी कि वही जो इसका DNA है वो कंटिन्यू होना चाहिए गाड़ी के अंदर। तो कोशिश की है कि वही इसके अंदर जो आपको मीटर वगैरह मिल जाए। तो साथ में बीच में इसका आपको जो है एक जो है मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है और यहाँ से आपको इसको जो है पूरा एडजस्ट कर सकते हैं पूरा जो कि इसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी मिलती है। तो यहाँ से इस बटन से आप इनको एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर आपको 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। नीचे यहाँ पे इसमें आपको जो है एसी वेंट्स मिल जाते हैं और ये इसका आपको हेजल लैम्प का जो ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बात करेंगे तो इसमें कुछ और बटन मिल जाते हैं जो कि है आपके विंडो के लिए। आप यहाँ से जो है ऑटोमेटिक विंडो अप डाउन कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक विंडो अप डाउन के लिए है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो हिल होल्ड असिस्ट और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन मिल जाते हैं। साथ ही बात करें तो ये एक मैनुअल वर्जन है तो यहाँ आपको इसमें जो है 550 जो है गियर बॉक्स मिलता है। साथ ही अगर इधर देखें तो यहाँ पर आपको जो है लो गियर के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि है 2H, 4H। और साथ में इधर आप देखेंगे तो ये जिसमें दिया गया है ये इसका हैंड ब्रेक है और इधर जो है इसमें चाइल्ड सेफ्टी लॉक दिया गया है और विंडो के कंट्रोल भी इसमें इधर ही दे दिए गए हैं। अगर IRBM की बात करें तो इसके अंदर आपको मैनुअल मिलता है जो कि आप इसे अपनी नाइट टू डे के हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। इधर देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर इसके अंदर और वैनिटी मिरर कोई लाइट वगैरह के साथ नहीं है तो ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है इसके अंदर। अगर दूसरी वाली साइड में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है जो कि बिना किसी लाइट के ही आता है। साथ में देख सकते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको इसमें जो एक और लैंप मिल जाता है और अगर नीचे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो इसके अंदर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है और यहाँ पर एक आपको USB पॉइंट मिलता है जो कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से कुछ और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने चाहिए थे चार्जिंग वगैरह के लिए क्योंकि ये एक ऑफ रोडर गाड़ी है तो ऑफ रोडर गाड़ी के लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी हो जाती हैं। कई बार ऐसे हमें इक्विपमेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं जिनके लिए हमें मल्टीपोर्ट की ज़रूरत होती है तो आई थिंक ये जो है कंपनी को इसमें ऐड करना चाहिए था। इधर इसमें आपको जो है ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी छोटा ही है अगर मैं अदर गाड़ियों के हिसाब से बात करूँ तो। साथ ही में इसमें यहाँ पर कुछ स्पेस मिलती है जिसमें आप कुछ ठीक से अपना फ़ोन भी नहीं रख पाएंगे और ये इसमें जो है आपको ग्रैब हैंडल दे दिया गया है तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट टच के साथ आता है। बाकी पूरा कम्प्लीटली यहाँ पर आपको जो है इसमें हार्ड प्लास्टिक मिलता है। बाकी इसमें फिट एंड फिनिश तो ठीक ही है लेकिन प्लास्टिक कम्प्लीटली थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है। अब ये हार्ड होना भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड गाड़ी है तो इसके अंदर ये चीज़ अगर हार्ड नहीं रहेंगी सॉफ्ट रहेंगी तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो थोड़ी जल्दी ख़राब हो सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि इसको कुछ अपनी ऑफ रोडिंग की कंडीशन में ज़्यादा चलाते हैं। बाकी तो डिपेंड करता है कि बंदा खरीदने के बाद इसको किस तरह से इस्तेमाल करता है, क्या इसमें जो इसका यूज़ ले पाता है क्योंकि बहुत से लोग तो सिर्फ शौक के लिए गाड़ियों को खरीदते हैं ताकि वो कहीं बाद में जाने के बाद इसमें अपने लिए अच्छे से
कुछ मॉडिफिकेशन करा लें। बहुत से लोग इसको देखो जी वैगन बनवाने वाले हैं और ये डेफिनेटली होना ही होना है। कुछ दिन बाद आपको इस गाड़ी के अंदर ही अतरंगी चीज़ें लगी हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी और आप देखेंगे कि यहाँ रोड पर कुछ अलग अलग तरह की जिमनी चलती हुई दिख रही हैं। अभी हमने आपको पूरा दिखाया था ऊपर की किस तरह की पूरी गाड़ी है, क्या क्या फीचर आपको इसके अंदर मिलते हैं और क्या क्या इसके वेरिएंट रहने वाले हैं, क्या क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, वो मैं जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अब यहाँ पर एक फाइनल वर्डिक्ट आता है कि क्या ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी फीचर लोडेड गाड़ी के साथ साथ अच्छी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी मिले तो आप इस गाड़ी को कम्प्लीटली कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा एक वो रुतबे वाली चीज़, थोड़ी सी चौड़ वाली चीज़ मिले तो फिर आप महिंद्रा थार की तरफ जा सकते हैं। वैसे फीचर्स की बात करें तो फीचर तो लगभग दोनों बराबर बराबर ही आते हैं। और अगर स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिंग भी लगभग दोनों में सेम ही है। हाँ, ये गाड़ी थोड़ा जिस तरह से वीडियो में देखने में बड़ी लग रही है उतनी ज़्यादा बड़ी है नहीं, क्योंकि मैंने भी शुरू में इसको वीडियो में देखा था, फोटो में देखा था, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगी। लेकिन बट जब मैंने इन रियलिटी आकर देखा तो थोड़ी सी वो जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं वो कम हो गई चीज़ को लेकर के। बाकी अगर बात करें इसकी रियर सीट पर तो रियर सीट पर सिर्फ दो लोग बैठ सकते हैं कम्फर्टेबली, तीन लोग को बैठाने के लिए इसमें स्पेस नहीं है। तो सिर्फ आपके पास अगर छोटी फैमिली है या आप सिर्फ चार लोग ही आप इसमें सफ़र करना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बिल्कुल बनी है, आप इसको ही कंसिडर करें। लेकिन आप चाहते हैं कि थोड़ा आपके लिए फैमिली बड़ी है या और भी ज़्यादा आपके पास लोड हैं तो शायद आपको जो है किसी और गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। तो ये था कंप्लीट रिव्यू हमारी तरफ से मारुति जिमनी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे अलग अलग गाड़ियों की रिगार्डिंग। साथ ही साथ कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी ये गाड़ी और आप अगली वीडियो किस गाड़ी पर देखना चाहते हैं, वो भी हमको कमेंट में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।